ये है पैनासोनिक का SC-ST460GWK 4.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर, और दूसरी तरफ है जेबरोनिस का ज्यूग बार 6000 DWS प्रो। एक 4.1 चैनल है तो एक साउंड बार है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, जेबरोनिस का ये साउंड बार पैनासोनिक के 4.1 चैनल स्पीकर से काफ़ी जगह बेटर है। फॉर एग्जाम्पल लाउडनेस, लाउडनेस के मामले में जेबरोनिक्स बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है। पैनासोनिक का स्पीकर लाउडनेस के मामले में जेबरोनिस के सामने नहीं टिक पाएगा। दूसरी चीज़, पंची बेस। जेबरोनिस का जो बेस है दोस्तों ज़्यादा पंची है। और तीसरी चीज़, बेटर कनेक्टिविटी ऑप्शंस। जेबरोनिक्स में आपको ऑप्टिकल एंड HDMI जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिख जाएंगे, पैनासोनिक में केवल आपको ब्लूटूथ, USB सिर्फ यही दिखेंगे। अदरवाइज ऑप्टिकल और HDMI ARC का सपोर्ट आपको पैनासोनिक के सिस्टम में नहीं दिखने वाला। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हम पैनासोनिक को भूल जाएं एंड जेबरोनिस को परचेज़ कर लें? जी नहीं, पैनासोनिक का ये सिस्टम काफ़ी मायनों में जेबरोनिक से आगे है। अब किन मायनों में आगे है मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में पहले हम पैनासोनिक के 4.1 चैनल सिस्टम का रिव्यू करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जेबरोनिक से ये कैसे डिफरेंट है। वन मोर थिंग, जेबरोनिक जेब ज्यूग बार 6000 या 6001 DWS प्रो, इसका मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ और कंपैरेटिव वीडियो बना चुका हूँ फिलिप्स SPA-8000B के साथ। इन दोनों वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा। अब जल्दी से कर लेते हैं छोटा सा साउंड टेस्ट, उसके बाद मैं आपको इन दोनों के एक्चुअल डिफरेंस बताने वाला हूँ। वैसे वीडियो देखने के बाद अगर आपको दोनों में से कोई एक स्पीकर परचेज़ करने का मन करे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, ओके जरूर ट्राई करना। वैसे दोस्तों आप जनरली परचेज़ कैसे करते हो? शॉपिंग ऐप पे जाते हो अपनी फेवरेट, उसके बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, ठीक है, बाय करते हो, प्रोडक्ट कुछ दिनों के बाद आपके घर पर रिसीव हो जाता है, क्यों? लेकिन दोस्तों कैसा हो, जब आप कुछ भी परचेज़ करो ऑनलाइन किसी भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म से, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, टाटा क्लिक हो या आजियो, तब आपको एक रियल कैशबैक मिले जिसको कि आप बैंक अकाउंट में अपने ट्रांसफ़र कर सको। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंडिया बिगेस्ट कैशबैक ऐप कैश करो की, विच इज़ फंडेड बाय रतन टाटा सर। कैश करो आपको डिफरेंट शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर शॉपिंग करने पर 30% तक का कैशबैक दे सकता है, जिसको कि आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर कन्वर्ट कर सकते हो अमेज़ॉन वाउचर्स में। दोस्तों कैश करो को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करो और डाउनलोड करो कैश करो, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाके भी कैश करो को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कीजिए, रजिस्टर कीजिए और हमारा कोड VFM25 यूज़ कीजिए टू गेट 25 rupees बोनस इंस्टेंटली। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, कैश करो पे जाना है, उसके बाद अपनी फेवरेट शॉपिंग साइट सेलेक्ट करनी है, ऑरेंज बटन को क्लिक करना है,
फिर आपको दोस्तों अपना फेवरेट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसे ऐड टू कार्ट करना है, पेमेंट करनी है और आप माई अर्निंग के सेक्शन में जाके आप अपनी अर्निंग चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इसको चेकआउट करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि पैनासोनिक कुछ मामलों में जैब्रोनिक से पीछे है। अब बात करते हैं किस मामले में जैब्रोनिक से आगे है। सबसे पहले मैं बात करूँ बेस की। देखिए डेफिनेटली जो बेस की लाउडनेस और जो बेस का पंच है वो जैब्रोनिक्स में काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरेटिव टू पैनासोनिक। ठीक है, काफ़ी लाउड और पंची बेस मिल जाएगा, लेकिन पैनासोनिक में दोस्तों उस तरीके का बेस है जो आपको इरिटेट नहीं करेगा, जिसको लो डीप बेस चाहिए और कंट्रोल्ड अपर बेस चाहिए, जिसको एक सर में हिट करने वाला पंच नहीं चाहिए, जो लॉन्ग टर्म में सुनना चाहता है, उसके लिए दोस्तों पैनासोनिक बहुत सही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों लाउडनेस इसकी जैब्रोनिक से बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट दोस्तों ये है कि फुल वॉल्यूम पे तो इसमें डिस्टॉर्शन नहीं है। और सिंपल सी चीज़ ये है दोस्तों, ये पार्टी वगैरह के लिए नहीं बनाया गया, ये सिस्टम बनाया गया है लॉन्ग टर्म, ठीक है, लंबे समय तक सुनने के लिए। तीसरी चीज़ दोस्तों क्लैरिटी के मामले में फार बेटर है जैब्रोनिक से। जैब्रोनिक्स की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जैब्रोनिक्स की जो हाइज हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं एंड प्लस डल भी हैं, बहुत हार्श हैं। दूसरी तरफ पैनासोनिक में भी दोस्तों जो ट्रैवल है, जो हाइज हैं वो शानदार नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप हाइज को ज़ीरो पर रखें। रिमोट में आपको कंट्रोल मिल जाएगा बेस और ट्रैवल कंट्रोल करने का, उसे आप ज़ीरो कर सकते हैं पैनासोनिक के अंदर। जब आपको जो क्लैरिटी मिलेगी वो बहुत शानदार मिलेगी। हालांकि जैब्रोनिक्स में भी आपको ज़ीरो पर रखना पड़ेगा हाइज को, क्योंकि वहाँ और भी ज़्यादा मामला ख़राब है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ज़ीरो पर करते हैं दोनों की हाइज को, उसके बावजूद भी जो हाइज आपको सुनने के लिए मिलती हैं जैब्रोनिक्स में वो काफ़ी डल हैं एंड काफ़ी हार्शनेस है उनमें। पैनासोनिक में वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब आप ट्रैवल को ज़ीरो पे करते हैं। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया बेस सॉफ्ट है, थम्पी है, डीप है, इरिटेटिंग नहीं करेगा, आपको लंबे समय तक सुन सकते हो इजीली, क्लैरिटी दोस्तों अच्छी है। अब बात करें वोकल्स की, वोकल्स बहुत ज़्यादा सही हैं इसमें, काफ़ी ओपन वोकल्स हैं जिनको दिक्कत होती है घुटे हुए वोकल्स में, इस तरह के पैनासोनिक में नहीं है। दूसरी तरफ जैब्रोनिक्स की बात करें, जैब्रोनिक्स में बोलूँगा एवरेज हैं, कुछ खास वोकल्स नहीं है। वोकल्स की अगर मैं बात करूं बैटर किसके हैं तो डेफिनेटली पैनासोनिक के हैं। हालांकि पैनासोनिक के वोकल्स बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, हैं तो थिन ही लेकिन ओपन और क्लियर हैं, तो जिससे आपको वोकल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ऑप्टिकल और HDMI चाहिए अपने टीवी के साथ कनेक्ट करना है तो आप जैब्रोनिक्स की तरफ जाइए। आपको ऑप्टिकल HDMI से मतलब नहीं है, आपको लंबे समय तक म्यूज़िक को सुनना है, इन्जॉय करना है, आप ज़्यादा लाउड नहीं चाहते, पार्टीज के लिए सिस्टम नहीं चाहते, डेफिनेटली आप पैनासोनिक एक बार जरूर ट्राई कीजिए। क्लैरिटी दोस्तों बहुत अच्छी है, ये उन चुनिंदा सिस्टम्स में से है जो अंडर 10,000 क्लैरिटी अच्छी दे रहे हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। कोई भी और डाउट बचा हो दोस्तों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, आपको वहाँ और भी ज़्यादा ऑडियो सैंपल्स मिल जाएंगे और वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं DM करके। एंड वन मोर थिंग, कैश करो को डाउनलोड करना मत भूलना, नीचे लिंक दिया गया है, और हमारा कोड BFM25 को यूज़ करना भी मत भूलना। ओके, कैशबैक डाउनलोड करो और अपने बैंक में कैशबैक कलेक्ट करो। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।